तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का नई वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आपको बता दूं, ये जो लाइन जा रही है ये जा रही है दुहाई डिपो के अंदर, तो लेके चल रहे हैं आपको। और ये दीवारें चमक रही, ये है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे जो बनाया गया है दोस्तों। तो चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को आज दुहाई डिपो के अंदर। तो देख सकते हैं ये मेरा राइट हैंड पे अभी ट्रैक स्लैब हैं वो रखे हुए हैं, ये यहाँ से उठ उठ के जा रहे हैं हर जगह। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं आज दुहाई डिपो का व्यू, देते हैं दुहाई डिपो का के दुहाई डिपो के अंदर कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट, कितना है बाकी, वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो आप बने रहो केपी संत के साथ में दोस्तों। तो देख सकते हैं अभी तस्वीरें यहाँ पर सारे में, जिधर आप नज़र डाल के देखोगे उधर ही आपको ट्रैक स्लैब देखने के लिए मिलेंगे, देख सकते हैं आप लोग। और आपको बता दूं कि ऊपर देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के खंभे लगा दिए जा चुके हैं और इन पर ओवरहेड वायरिंग, अब ओवरहेड इक्विपमेंट नहीं लगाया गया अभी, अभी इन पर जालियां भी लगाई जाएंगी क्योंकि ट्रैक तो इस पर बिछा दिया जा चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है ट्रैक बिल्कुल ही। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये ट्रैक, आपको ट्रक्स ही ट्रक्स आपको नजर आएंगे दोस्तों। और दुहाई का स्टेशन भी आपको दिखाएंगे, जो डिपो के अंदर में स्टेशन बनाया गया है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा इस वीडियो में। तो आप बने रहो। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो रोड बनाई है ये रोड नहीं बनाई है, क्यों, पहले ये ऐसी रोड नहीं थी, बहुत टूटी फाटी रोड थी, क्योंकि जब से ये ट्रैक बिछाया गया है ना। तो आपको बता दो कि ओवरहेड वायरिंग का काम यहीं तक हो पाया है, देख सकते हैं इस पर ओवरहेड वायरिंग भी लगा दी जा चुकी है, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। इधर सारा क्लियर हो चुका है बिल्कुल ही। और स्टेशन भी आप लोगों को दिखाते हैं चल के। स्टेशन कैसा बनाया है इन्होंने, अभी स्क्रीन डोर लगाने का काम चल रहा है, स्क्रीन डोर तो आ चुके हैं इस पे। तो ये सामने आप लोगों को चमक रहा ये है दुहाई डिपो का स्टेशन दोस्तों, RRTS का, ये देख सकते हैं कुछ ऐसा स्टेशन बनाया गया है और इस पर सारे काम क्लियर कर लिया जा चुका है। और इस पर अभी जो स्क्रीन डोर का काम है वो लगाए जा रहे हैं, स्क्रीन डोर आ चुके हैं, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये स्क्रीन डोर रखे हुए हैं और इन पर अभी तो वर्क चल रहा है। और वर्क ये इसी टाइप का है, देख सकते हो वो स्क्रीन डोर्स रखे हुए हैं। और इधर ये फुटओवर ब्रिज बनाने का काम चल रहा है, ये फुटओवर ब्रिज बना, क्या नाम है, स्टेयर बनाए जा रहे हैं, देख सकते हैं ये। और स्क्रीन डोर देखो वो रखे हुए हैं, ये स्क्रीन डोर लगाए जा रहे हैं। और स्क्रीन डोर लगाए जाने के बाद में जब पब्लिक चढ़ेगी रैपिड रेल के अंदर तो नज़ारा ही कुछ अलग ही होगा, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। अभी चिनाई का काम चल रहा है यहाँ पर, प्लास्टर का काम चल रहा है और स्टेयर बनाने का काम चल रहा है इस दुहाई स्टेशन का। ये दुहाई डिपो के अंदर जो स्टेशन बनाया गया है दोस्तों उस पर वर्क चल रहा है, ये स्क्रीन डोर लगाने का काम चल रहा है और इस पर अभी जो वर्क है वो देख सकते हैं, स्टेयर बनाए जा रहे हैं, ये स्टेयर बनाए गए हैं इधर की साइड में और इस पर प्लास्टर हो रहा है अभी इस टाइम, तो यही वर्क चल रहा है अभी, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये बनाया जा रहा है दुहाई डिपो का स्टेशन, देख सकते हैं दोस्तों ये है सारा नज़ारा, क्योंकि इन्होंने ये सामने से ये गेट बंद कर दिया है तो हमें घूम के जाना पड़ेगा भिक्कनपुर की तरफ, ये रहा भिक्कनपुर गांव, दुहाई और भिक्कनपुर के बीच में ही है ये। अभी स्क्रीन डोर लगाने का जो वर्क है वो चल रहा है और इसमें
ओवरहेड वायरिंग का भी काम इस पे कर लिया जा चुका है, सारा हो चुका है इस पे। और ऊपर सनरूफ डालने का काम था वो भी कर लिया जा चुका है। अब इस पे जो इसकी दीवारें हैं इस पे प्लास्टर किया जा रहा है। ये जो दुहाई डिपो का स्टेशन है दोस्तों उस पे देख सकते हैं ये है नज़ारा। अब चलते हैं आगे और आगे दिखाते हैं चल के कि इधर क्या वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो चल रहे हैं यहाँ पर, ये सारे में दीवारें उठा दी हैं इन्होंने, ये देख सकते हो ये सारी दीवारें उठी हुई हैं। और इधर से चलते हैं अंदर, यहाँ से दिखाएंगे आप लोगों को। तभी पहले यहाँ पर खड़ी थी रैपिड रेल, अब वो पता नहीं कहाँ कर दी इन्होंने। तो ये दुहाई डिपो के अंदर हम आ चुके हैं गाइस, तस्वीर आप लोग देख सकते हो। और आपको बता दूं कि जो NCRTC का ऑफिस है वो यहीं से प्रोवाइड करेगा RRTS को, जो कंट्रोल किया जाएगा वो RRTS को वो यहीं से किया जाएगा इसी ऑफिस से दोस्तों। तस्वीर आप लोग देख सकते हो दुहाई डिपो के अंदर, और ये लाइन है लेफ्ट हैंड पे। तब हमें RRTS देखने के लिए नहीं मिलेगी, बाकी देखते हैं चल के मिलती है नहीं मिलती है देखने के लिए, वो जब पता चलेगा। क्योंकि अभी आपको बता दूं कि जो NCRTC है अभी से ही भर्ती कर रही है पब्लिक की, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये देख सकते हैं आज हम पूरे में घूमेंगे वह। ये बर्फ चल रहा क्योंकि उन्होंने उधर से बंद कर दिया है इस वजह से। तो इधर देखते हैं चल के क्या वर्क चल रहा है, RRTS कहाँ खड़ी हुई है वो आप लोगों को पता चलेगा। देखो ये मशीनें लगी हुई हैं हैवी हैवी, ये इधर आ चुके हैं। और मेरे लेफ्ट हैंड पे है NCRTC का ऑफिस, तस्वीरें देख सकते हैं। और आपको दिखाते हैं रैपिड रेल, अभी यही वर्क चल रहा है अभी इसको, अभी इसमें ये पार्क टाइप का बना रहे हैं दोनों साइडों में। और देख सकते हैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाएगी, ये भी सारा वर्क हो चुका है कंप्लीट देख सकते हैं। और ये पुरानी वाली रैपिड रेल खड़ी हुई है यहाँ पे, ये सामने खड़ी हुई है रैपिड रेल, देख सकते हैं तस्वीरें। और हम निकलते हुए चलेंगे बिल्कुल सीधे सीधे, फिर आएंगे घूम के फिर आप लोगों को बताएंगे। एक ये पुरानी वाली है जो पहले आई थी रैपिड रेल वो है, और नई वाली अभी तो उसके यार्ड के अंदर है, देखो वो बाहर आ चुकी है। चलो उसे दिखाते हैं चल के आप लोगों को, तब अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों आप लोग बताना कि वीडियो कैसे लगते हैं केपी संत के, और ऐसे ही केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं दोस्तों। देख सकते हैं दूसरी RRTS ये खड़ी हुई है सामने, ये देखो यहाँ खड़ी हुई है दूसरी RRTS, एक उधर खड़ी थी और एक यहाँ पर खड़ी हुई है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आंखों से, ये देखो ये दूसरी वाली है और ये ट्रैक पे अब चलाई जा रही है। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें,
इस पर जो बर्क चल रहा है वो देख सकते हैं, ये बर्कर लगे हुए हैं इस दूसरी वाली रैपिड रेल पे। ये दूसरी रैपिड रेल है, ये बिल्कुल स्टैंड कर ली गई है, पहले ये इसके यार्ड के अंदर थी, ये देख सकते हैं। और चलते हैं लास्ट तक, फिर आप लोगों को दिखाते हैं कि कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी इस पे। देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पर यही अभी वर्क चल रहा है दोनों साइडों में। देख सकते हैं इस पे रोरी बदरी सब पड़ी हुई है, क्योंकि अभी इस पे ये लाइन बनाई जा रही है। पूरा ही आपको दिखा देते हैं, ये दोहाई डिपो एंड तक चल रहे हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं। और ये आ चुका है यार्ड, और यार्ड के हम पीछे तक आज बिल्कुल आ गए एंड तक दोस्तों, देख सकते हो। और आप लोग बताना हमें कि वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैं आप लोगों के बीच में ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं बिल्कुल लास्ट वाले यार्ड के अंदर, ये यार्ड की तरफ आ चुके हैं बिल्कुल लास्ट में। तो दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पर ट्रकों का देख सकते हैं, ये वर्कर दोनों साइड में लगे हुए हैं, वर्क कर रहे हैं अभी इस टाइम पर। ये यहाँ से तो नहीं जा सकते हम, क्योंकि ट्रक खड़े हुए हैं। इधर भी वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे, देखो वर्क चल रहा है इस यार्ड के अंदर। तो यहाँ से ही हम हो जाते हैं वापसी दोस्तों। और बता देना कि वीडियो कैसा लगा।